हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश उर्फ जेपी ने हरियाणा में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। जेपी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने देखा कि लोगों में कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष था। जेपी ने और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, अब मतदान हो चुका है, पूरी तैयारी आपने की, 1.5 महीना के करीब आपने चुनाव प्रचार किया, क्या कुछ चुनाव प्रचार से आपको लगा के लोगों का किस तरह रुझान जा रहा है इस बार? देखिए, 3-4 इश्यूज थे जो बड़े भारी फील्ड में, जो आज से 2 साल पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जन आक्रोश रैली निकाली थी, हिसार से शुरू की थी, और उस वक्त तो विपक्ष के लोग या जो सत्ता में लोग हैं हमारे खिलाफ के लोग, मनोहर लाल जी कहते थे कि जनता में तो जन आक्रोश है नहीं, लेकिन कांग्रेस में विजन पार्टी जन आक्रोश है। लेकिन हुड्डा साहब का जो विजन था, आज वो सिद्ध साबित हुआ कि जब मैं चुनाव में गया तो 3 इश्यूज थे बड़े खतरनाक, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसान की मार, किसान का भाव, कर्मचारी की प्रताड़ना, तो व्यापारी की परेशानी, ये चीज़ें सारी धीरे धीरे करके एकदम इकट्ठी हुई। और जब एकदम इकट्ठी हुई तो इसमें जनता में जन आक्रोश बढ़ा, और जब जनता का जन आक्रोश कब देखा कि पहला चुनाव है, मैं 14वां चुनाव लड़ रहा हूँ, कि यहाँ पर जनता ने चुनाव लड़ा, नाम पार्टी नेताओं का रहा लेकिन हमारा चुनाव जनता ने चुनाव लड़ा, क्योंकि 48 टेम्परेचर में जब मैं किसी गांव, एक गांव से दूसरे गांव में जाता था, तो आप ये देखिए कि 3-3 किलोमीटर नौजवानों की मोटरसाइकिल की लाइन, ट्रैक्टरों की लाइन, महिलाएं स्वागत के लिए खड़ी हैं, तो कोई मेरी वजह से तो नहीं खड़ी थी। जनता में गुस्सा था, हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति प्यार था, तो इसलिए वो आशीर्वाद दे रहे थे। तो वो चुनाव कंप्लीट जनता ने लड़ा, तो इसलिए जनता का मुकाबला, 3 बार चुनाव जनता ने लड़े हैं। 77 में जनता ने चुनाव लड़ा, 87 में हरियाणा में जनता ने चुनाव लड़ा, अब की बार जनता ने चुनाव लड़ा। लेकिन जहाँ पे आप उम्मीदवार थे वहाँ तो 3 जो बाकी लोग थे, अब वो तो एक ही परिवार से आते हैं तीनों लोग, मतलब कुछ नहीं थे, पंजाबी जो भाषा ने कख नहीं। आपने जो क्योंकि अब एक ही परिवार से लोग आते हैं, तो क्या किसी एक को फायदा उससे मिल सकता है क्योंकि एक परिवार से लोग आ रहे हैं? देखिए, ये परिवार मेरे से पिछले 33 साल से परेशान है, सारा ही परिवार, जहाँ मैं लड़ता हूँ तो स्वाभाविक इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन लोगों को भी पता है कि इस परिवार ने जनता के साथ बड़ा धोखा किया है, बड़ी बेईमानी की है, बड़ा विश्वासघात किया है। ये चुनाव से पहले कुछ करते हैं, चुनाव के बाद ही भाजपा में भाग जाते हैं, और रणजीत तो था ही भाजपा का, और दूसरे भी दोनों भाजपा के उम्मीदवार थे, तो इसलिए लोगों ने इनको मुंह नहीं लगाया। क्योंकि अब इस परिवार की बात है, तो जब नाना चौराले काफिले पर हमला हुआ था तब आप पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने करवाया, उनके कार्यकर्ता थे। इन्हें तो रात ने भी जेपी दिखे, क्योंकि मैंने इनकी विफलताओं को, इनकी बेईमानी को, आज ही मैं इनसे 1993 से लड़ रहा हूँ, 30 साल से लगातार लड़ाई है, 30 साल से मुझे गाड़ियाँ दे रहे हैं। आप ही देखिए, इन्होंने तो एक वीडियो दिखा दी किसी होटल में वैश्यवृत्ति का क्या था, और मैंने वो रजिस्ट्री पकड़ा दी, तो छोटा लड़ा का नाम है, आप पे वैश्यवृत्ति करावा, नाम मेरा ले भाई, इस तरह के मानस भी पाओगे कहीं देश में। और आज भी कह रहे हो रणजीत सिंह की तो हो सागी हो, तो वो देख ले होटल किसका, रणजीत का ही है। तो जब मतदान हुआ था, हमने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात की, तमाम नेताओं से बात की, उन्होंने कहा कि हम बूथ पर जब जा रहे हैं, जब मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कोई जोश ही नहीं है, उनका बस्ता पकड़ने वाला कोई नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो मूर्छित थे, माड़े मूर्छित थे, इनके बड़े मुस्तैद थे। मनोहर लाल ने छठी का दूध याद आ रहा है, बेरा पट जाएगा 4 तारीख ने। अब आखिरी सवाल है, क्योंकि अब मतदान हो चुका है, 4 जून को परिणाम आएंगे, तो क्या कुछ, कितनी सीटों पर आपको लगता है कितनी सीटें कांग्रेस की अब जीत रही है? मैं कहूँ 8 तो जनता कह रही है, मैं कह रहा हूँ 10 की 10 कांग्रेस जीतेगी, और 10 की 10 जीतेगी। और मनोहर लाल की जो गिद्दड़ धमकी है ना कर्मचारियों के बारे में, बोला मैं देख लूंगा, अरे भाई तू क्या देख लेगा, तेरे जोड़े की तलाशी लेने वाली है जनता, जोड़ा ठा के जाना पड़ेगा, लेकिन उस जोड़े की तलाशी भी जनता ने लेनी पड़ेगी। तो जब करनाल से आपने दिव्यांशु बुधिराजो को जब उम्मीदवार बनाया था, या तरलोचन सिंह को उम्मीदवार बनाया था, तो भाजपा ने कहा कांग्रेस ने तो पहले हार मान ली कि आपने इन चारों को उम्मीदवार बनाया, कोई दिग्गज नेता की उम्मीद कर रहे थे आने की? 1989 में जब मैं लड़ा
जनता दल से बीरेंद्र सिंह डूमर खेवाड़ा के खिलाफ, तो मेरे भी यही प्रचार था कि जेपी कैंडिडेट का खड़ा कर दिया जनता दल ने, बीरेंद्र सिंह जीतेगा। बुरी तरीके से रहा था, इन बड़े चौधरियों की नास रगड़ा है जनता। ऐसे ही भालू का याद है तेरे, भालू बड़ौदा में कहते तो बहुत मोटा तगड़ा पहलवान है, रगड़ दिया ना लोगों ने। ऐसे ही मनोहर लाल का दिवांशु बुद्धू राजा नू रगड़ा का जो नोड़ा थूला लग रगड़े। जर्नलिस्ट राउदीमान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।